ए बुड्ढे ला मेरी रकम मुझे चाहिए। ठीक ठाकुर साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे मेरी आप जान क्यों न ले लें, मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अबे पप्पू, हराम चाहते हैं ला मुझे मेरी रकम चाहिए। नहीं मेरे अन्नदाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये शरीर जर्जर जो खड़ा है, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और हाँ, हेलो स्टाफ, ये आगे प्रमादल, ये सम्मानित हमारे दादाजी यानी रिंकू सिंह मेला मालिक, उनकी ओर से ये 50 रुपए इस पार्टी पे खुश होकर आ रहे हैं। पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। मेरे अन्नदाता, मेरा बेटा बलखान जब वापस आएगा तो मैं सारा पैसा आपका चुकता कर दूंगा। हराम जाते, मुझे इसी वक्त हराम जाता है, मेरा पैसा देने से इनकार हो रहा है। हेलो, ये आ गए लल्लन भाई साहब भोजपुर निवासी, उनकी ओर से 20 रुपया बाबा जी के चरणों में आ रहे। पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। पहले पैसा देने पाते ले लेते, पहले इडियन ना ला गधा कहीं। अबे हराम जाते, बुड्ढे बुड्ढे खुड्ढे साले। आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू साला मर जाएगा अगर जान ही ले ली है। भैया यू अगर पैसा न देती कहीं बकला न रखो दे ही, मैं पैसा ले लियो, जतने गरीब है ना वो साले कीड़ा है, समझ लो कीड़ा, कीड़े मकौड़े आए। सच्ची किसी ने कहा है कि गरीबी नहीं दे गरीबी दी लेकिन बदनसीबी नहीं दे। आज मेरे पास दोनों चीजें हैं, गरीबी और बदनसीबी दोनों हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान ने क्या करूं। ठाकुर साहब, क्या बात है रे? ये जर्जर शरीर आपके सामने है, आप चाहे मुझे गोली से मार दे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा। हराम जाता, बेहूदा कहीं का तुझे सुनाने नहीं देता। लगता है साला मर गया। ठीक है, मैं यहां से निकल लेता हूं। अरे ठाकुर, तुम्हारे साले की रवा पर है, बताओ गरीब आदमी तिरके हैं कि मां डारे जात। तो महो कहन समान मने 3000 तई बताओ मां डारे गयो, जब नहीं दे पाओ तो ना लीन करो जान। पिताजी, भैया बड़ा, बापू, पिताजी आखिर बात क्या है? बेटा बलखान तू आ गया, तू आ गया मेरे लाल, तू आ गया बेटा। आज मुझे ठाकुर साहब ने बहुत मारा है पिताजी, तो दिल मेरा घबरा रहा, देखी हालत हालत
बाबू हमारे बाबू की ठाकुर साहब से कुछ मैं पैसे लाया था वो दे नहीं पाया इसलिए वो आकर के मुझे बहुत मारा बेटा। पिताजी ये हालत उसमें उस राणा ने हाँ बेटा आज मेरे हाथ से नहीं बचकर जा पाएगा। आज मैं इसे चिंता नहीं छोड़ूंगा पिताजी। नहीं बेटा वो लोग बहुत खतरनाक है वहां मत जा मेरे लाल वहां मत जा। नहीं पिताजी बाप तुमको कसम अपना मल खान की बाप तुमको रोकिए अब नहीं वहाँ होगा हमारा या कुछ भी नहीं वहाँ होगा हमारा कुछ भी नहीं। पिताजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए आज मैं इस राना को चिंता नहीं छोड़ूंगा। हराम चाहते तोने मेरे पिता को ये 500 रुपये खाते मेरे पिता की ही हालत किया। मैं तेरे पास आ रहा हूं कुत्ते आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा नहीं है मेरे लाल समर से काम ले बेटा इस समय मेरे दिन गिरे हैं इसलिए तुझे जाना ठीक नहीं बेटा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। नहीं पिताजी आज मैं तुम्हें जो तुम्हें मार के अच्छा नहीं किया एक मलखान के पिता को मारा आज मुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा बापू नहीं छोड़ूंगा पिता बेटा। नहीं मेरे लाल वहां मच्छा मेरे लाल वो बहुत लोग खतरनाक है वो लोग खतरनाक है तुझे कुछ हो जाएगा तो ये बुढ़ा पर जीते जी मर जाएगा। मच्छा मेरे लाल ऐ दुनिया के रघुवाली
सुन दर्द भरे मेरे ना विशाल। देख मेरे भाई साहब मुखिया के घर गए हुए हैं। अरे हुआ हमका धोखा होएगा है? हम कहे कि तो भैया मार डाले मुखिया, लेकिन वो जिंदा ही रहा बेहोश। ठीक है, लेकिन अभी तक भैया वापस नहीं आए। मैं उनका कहावा देखा जाए क्या बात, बड़े भैया मुरझान हो। विशाल आज मैं क्या देख रहा हूँ, मुरझान भैया के सारे कपड़े पसीने से बिल्कुल लथपथ और चेहरे पे उदासी। ठीक है, मैं कुछ भैया से पूछता हूँ। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बदलिए पसीने से तर हो रहा है, बदन ये पसीने से तर हो रहा है, न जाने दिल दिल में सबर हो रहा है। कोई बात क्या है तो भैया बताओ, बुरी बात क्या है तुम भैया बताओ, जब मुरझाया चेहरा नजर आ अगर बात क्या है भैया, मैं तुमसे बताता हूं कि आखिर मेरे चेहरे पर ये पसीना क्यों आ रहा है। सुनिए मेरी बात को। अरे मेरा हुक्म नाग सिंह तू फौरन बजाओ, मेरा हुक्म नाग सिंह तुम फौरन बजाओ, अरे इस पटल लोहा सिंह को फौरन बुलाओ,
देखो उस जो मुखिया था उसकी पिटाई मेरे हाथों से हो गई है, फौरन बुलाया जाए। ठीक है भैया, आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और इस पट्टा लोहा को अपने साथ में लेकर आऊंगा। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा आने का इंतजार करूंगा। हो ना ही तो यहां हवलदार, ना ही कोई चौकीदार। हे पप्पू चौकीदार। पप्पू चौकीदार नहीं, चौकी पेलहर। अच्छा, आओ का पेलहर चौकीदार ना। नमस्कार नाग सिंह। हाँ साहब, आखिर बात क्या है? जरूर बतलाऊंगा साहब। और परेशान नजर आते हैं। हाँ साहब, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। आखिर बात क्या है बोलो। तो इस पर साहब आपसे एक जरूरी काम है, सुन लीजिए आप है। भैया राणा ने किया हवेली पर याद है, चल दीजिए साथ है। आज चल दीजिए साथ, याद रहो साथ में। देखो साहब, आपको मेरे भाई राणा ने इसी वक्त हवेली पर याद किया है नाग सिंह, लेकिन काम नहीं बताया साहब आपसे। उन्होंने बताया नहीं काम, और तुम्हें भी आने की कोई जरूरत नहीं थी, फोन कर लिया होता साहब। लेकिन मेरे भाई ने कहा तुम जाकर खुद लोहा सिंह को साथ में लेकर आओ। अब काम के बाद अगर जब उन्होंने इमरजेंसी बुलाया है हाँ, तो हम फौरन तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलिए साहब, आइए। अभी तक अरे तो ठाकुर साहब आपने क्या हमें इमरजेंसी बुलाने का कारण मैं अवश्य बताऊंगा। अरे लोहा सिंह करना है तुम्हें और एक जरूरी काम। लोहा सिंह करना है तुम्हें एक जरूरी काम, और जिसके बदले मैं तुम्हें और तू भारी इनाम। हमारा
कहिए, हर वक्त तत्पर है लोहा सिंह तुम्हारे कार्य के लिए। ठीक है नाग सिंह, लोहा सिंह को सारी बातें समझा दो। देखो साहब, मैंने आप लोग को इसलिए हवेली पर बुलवाया है कि मेरे भाई के हाथों से मुखिया बहुत मारा गया। हो सकता है शायद मुखिया मर भी जाए। अगर मुखिया मर भी जाता है तो हम दोनों भाइयों के ऊपर उसके खून का इल्जाम नहीं आना चाहिए। नाग सिंह, तो इस तरह उस बूढ़े को सताना न था इस तरह। और होगा तुम्हारा यही मरना। तुम लोग सरफरे हो, तुम्हारी सरफरी की वजह से साहब दोनों भाई इस तरीके से सरफरे हो। साहब उस बुड्ढे को मार दिया इस तरीके से कि वो मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो आप लोग बहुत पछताएंगे। साहब यही तो मेरे भाई से गलती हुई, इसीलिए तो मैं आपको अपनी हवेली पर याद किया है। कोई बात नहीं, आपको मोमांगी कीमत दी जाएगी। अगर मुखिया मर भी जाता है तो हम दोनों भाइयों पर इल्जाम नहीं आना चाहिए। तो कोई करना फिकर अब न तुमको जिगर, कोई करना कोई बात सुन जाए जब बंद करवा दो सारे वही सा। जहां पर बात होती है बंद करवा दो सारे वही जा। बात करता है तो उसे डांट फटकार देना कि ताकि बात आगे ना बढ़े। ठीक है साहब, ऐसा कोई भी आप लोग के सामने हम लोग दोनों भाइयों के खिलाफ कोई केस नहीं आएगा। मैं गांव वालों को अच्छी तरह समझा दूंगा कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई। अरे ठाकुर साहब, आएगा तो लोहा सिंह के पास, और लोहा सिंह की जड़ राणा के पास। माई पॉकेट कर तो राणा के सारे कर। ठाकुर साहब का इस चाहिए भैया राणा, और वो भी देखो इस पट्टल लोहा सिंह काफी दिनों के बाद हम लोग की हवेली पर आए हैं। चलकर के कुछ हवेली में चाय नाश्ता करो। चलिए व्यवस्था। खान, हाँ मैं बलखान। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली पर आने की? बोल बोल, तेरा भाई कहाँ है? राणा सिंह, मेरे भाई से क्या काम है? बोल, जो कुछ करना मुझसे बोल। मुझसे उसी से काम है। देख, मेरा भाई इस समय दूसरे काम में बिजी है, जो कुछ करना मुझसे बोल, मैं अपने भाई राणा से बता दूंगा। ठीक है, पर फिर मैं वही बजाता हूँ। मलखान सिंह, ये रेंडियो का कोठा नहीं है कि जो आए सीधा अंदर चला जाए। मैं कहता जो कोई कहना बोल, मुझसे बोल, क्या काम है मेरे भाई से? बोल। तुम्हारे भाई से? मैं बतलाऊं तुम्हारे भाई के? जा मेरे पिताजी।